गए हम लोग पंडाल के पास और अभी पुष्पांजलि हो गया हमारा और पुष्पांजलि के बाद पूजा वगैरह हो गया है। सब भाभी लोग यहीं पे हैं। सब हाय बोलो। तो सबको अभी फोटो वगैरह क्लिक करने में है और तो फ्रेंड्स पुष्पांजलि हो गया फाइनली और आ चुकी हूँ घर और मैं इतना जल्दबाजी था, सारा सामान अस्त व्यस्त सब कुछ इधर उधर करके फिर जल्दी जल्दी बच्चों लोगों को रेडी की, फिर हम लोग गए 11 बजे पुष्पांजलि होने वाला था तो हो गया हमारा पूजा उजा। 12 बज गया है तो आज हमारा फास्टिंग भी है तो देखती हूँ अभी क्या तैयार करती हूँ। पहले बच्चों लोगों का चेंज करूँ, फिर चेंज करके उसके बाद फिर अपने लिए कुछ फलाहार करती हूँ रेडी। तो चलिए ब्लॉग्स स्टार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा हमारे यहाँ का दुर्गा पूजा कमेंट करके ज़्यादा कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग्स में लगातार बने रहिए। अब मैं आ गई हूँ घर तो अब घर का काम पहले निपटाऊँ तो चलिए ब्लॉग्स में आप लोग बन रही। यार अब क्या खरीदवाए हो? तो कल भी मेला गया था खरीदवाया, अभी पंडाल में एक ही खिलौना वाला था तो उसे ये इसने बंदूक खरीदवाया है। और अध्याय भी अध्याय क्या खरीदवाई है? ओले बोले तो छोटा छोटा खिलौना इनके पास था तो दोनों ने एक आराध्या आराध्या थोड़ा दिखा दो। हाय फ्रेंड्स बोल दो। हाय फ्रेंड्स कैसे हैं? कैसे हैं? हाय फ्रेंड्स कैसे हैं? चलो चलो तुम लोग का भी चेंज कर दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग्स में लगातार आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स हो चुका है शाम और आज मेला जाने का प्रोग्राम है कैंसिल क्योंकि आज अष्टमी है तो हमारा फास्टिंग भी है और मैं सोची कि थोड़ा बहुत तो बच्चे लोग को आज भी घुमा दूंगी क्योंकि वेदर का कोई ठीक नहीं है। तो वेदर फिर से खराब हो चुका है, पूरा बारिश हो रहा है बाहर। हम लोग जैसे तैसे कैसे भी करके जल्दी जल्दी आरती वगैरह की है, पूरा कपड़ा भींग गया आरती और भजन वगैरह करने में। हल्का हल्का ही बारिश हो रहा था तो यहाँ देखिए मैं अंदर आके बादाम भून रही हूँ और बादाम के बाद मैं बादाम भूनूंगी। बादाम तो मैं हमेशा ही खाती हूँ, मेरा फेवरेट है तो बादाम भूनूंगी। उसके बाद ये देखिए मखाना, मखाना का लावा इसको बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं बताइएगा जरूर, हम लोग मखाना का लावा बोलते हैं। तो इसको मैं घी में भूंजूंगी मखाना को और घी में भूंज के और उसके बाद मैं चाय के साथ खाऊंगी। बादाम और ये दोनों मिक्स करके चाय और मखाना का लावा और बादाम भुना हुआ बादाम तो मुझे अच्छा लगता है। फिर भुना हुआ बादाम अगर मैं आज तो ज़्यादा नहीं भूंजी हूँ तो फिर ज़्यादा भूनती हूँ तो मैं थोड़ा रख देती हूँ तो फिर मैं सेब बनाती हूँ, बनाना सेब तो उसमें भी मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बादाम को तो बिना घी का ही फ्राई करती हूँ लेकिन मखाना के अलावा जो उसमें थोड़ा सा घी डाल देने से क्या है अच्छा खिलता है। तो ये जो भी फास्टिंग वाला बर्तन है वो सब मैं अलग हटा के रखती हूँ। और यहाँ हमारे पंडाल से प्रसाद भी आया है, ये देखिए ये है हमारा प्रसाद। खीर है और क्या है, खीर और निरामिष सब्जी है और खिचड़ी है और फिर मिठाई का भी एक पैकेट आया है जिसमें से कुछ कुछ ये लोग खाए हैं। तो मेरा आज फास्टिंग है तो मैं मिठाई भी नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत सारा मिठाई में पता नहीं चलता है क्या रहता है, ओरिजिनल खोआ रहे या नहीं रहे, कुछ भी मिक्स रहता है चावल का आटा वगैरह तो मैं वो खाती ही नहीं हूँ फास्टिंग में, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेती हूँ क्योंकि फास्टिंग वगैरह क्या है हमेशा नहीं होता है, जब भी होता है चलिए नियम से ही कर लेते हैं। तो बादाम पहले भून ली हूँ तो बादाम को निकाल के उसके बाद घी डालूंगी, मखाना का लावा निकालूंगी और उसके बाद चाय बनाऊंगी। थोड़ा ठंडा हो जाने से ही वो थोड़ा क्रंची होता है, भूनने के बाद तुरंत खाई का तो नहीं लेकिन भूनने के बाद थोड़ा छोड़ दीजिएगा तो क्रंची हो जाएगा। बच्चे लोग देखिए खेल रहे हैं, वो लोग नहीं मारा मारी ऐसे करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते जा रहे हैं तो बस अष्टमी का पंडाल में पूजा हुआ और दिन भर बस कुछ कुछ काम था वही निपटाई और उसके बाद शाम को आरती वगैरह करते करते अभी दशहरा में कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है, थकान जो है वो दशहरा के बाद पता चलता है लेकिन अभी कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो ब्लॉग्स वगैरह भी थोड़ा बहुत लेट से हो जा रहा है लेकिन आज तो मैं सुबह में एडिट कर दी। तो कल जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं ये आरब अपना जो भी बनाने वाला सेट ब्लॉग्स खरीदा है घर बनाने वाला ब्लॉग्स तो उससे अपना बना रहा है। तो बस
आराध्या उसका इधर उधर फेंकने में लगी हुई है, और अपना जो भी बाबू लाई थी उसको पूरा उसका मतलब बाबू का पूरा होलिया खराब कर दी है, तोड़ ताड़ के रख दी है उसको। और आरब के भी खिलौना पे अटैक कर रही है, वो अपना खेल के उसके डर से उसको छुपा के रखता है ताकि आराध्या तोड़ ना दे। तो यहाँ देखिए मैंने घी भी डाल दिया बातों बातों में, मेरा बादाम भी यहाँ भुना गया और मैंने यहाँ घी भी ऐड कर दिया है कढ़ाई में। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मखाना का लावा, तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं डालूंगी। और ये पैकेट में ही ज़्यादातर मिलता है तो एक ही बार एक पैकेट मंगा लेती हूँ, तो बस क्योंकि मैं बार बार ही भूनती हूँ। दोपहर में मैंने भुना था क्योंकि ठंडा होने के बाद क्या है, बरसात का दिन हो गया है बारिश जैसा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो इतना मैं सुबह में भी दोपहर में भून के खा ली हूँ, यहाँ गैस मतलब जो प्लास्टिक में, और फिर अभी खा लूँगी, फिर रात में देखूँगी बनाना वगैरह खाऊँगी। तो सारा शाम में चाय पीऊँगी तो उसके साथ मेरा ये हो जाता है तो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ देखिए बस इसको ऐसे ही करके भूनना है अच्छे से, और भूनने के बाद चाय बनाऊँगी और उसके बाद आराम से बैठ के खाऊँगी। बच्चे लोग को भी नाश्ता वगैरह करा दी हूँ मैं, तो इसको देखिए ऐसे भून रही हूँ मैं। कैमरा पता नहीं आप लोग को ठीक से दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए बस इसको निम्न फ्लेम पे थोड़ा देर ही भूनना है। तो बहुत अच्छा लगता है इसका, मैं बहुत टाइम जब भी फास्टिंग वगैरह करती थी तो इसको मैं दूध में डाल के खीर भी बना सकते हैं, आप खीर भी बना के खा सकते हैं। इसको भून लिए, उसके बाद आपके पास खोला हुआ दूध है तो उसको ऐड कर दीजिए, थोड़ा देर उसको मिक्स करके चलाइए, और उसके बाद चीनी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका खीर भी। तो फास्टिंग में यही सब खाना है, तो जैसे मन करे वैसे बनाइए खाइए। आज मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ, फिर कभी मैं खीर भी बनाऊँगी इसका। आप चावल भी चाहें तो ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन फास्टिंग वगैरह में तो चावल क्या है कि हम नहीं बना सकते हैं, इस वजह से मैं सोची कि छोड़ो बाद में ही खीर बनाऊँगी। तो पता नहीं बच्चे लोग उतना खा नहीं पाते हैं इस वजह से। तो यहाँ देखिए अरब क्या बना रहा है, यही कल मेला से खरीद के लाया है ना अरब। और फिर एक क्या बना रहे हो? एक घर बना रहे हो। और आराध्या क्या खेल रही है? एलो। ये लो, तो आराध्या भी अपना खेलने में लगी हुई है। तो इन लोगों को मैं नाश्ता वगैरह करा के खेलने के लिए छोड़ दी हूँ। तो फास्टिंग वगैरह में क्या है, काम थोड़ा बढ़ जाता है, फिर बार बार गैस को साफ करिए, फिर खाना बनाइए, फिर साफ करिए। तो मैं सोची चलो अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाने में लगूंगी, तो झट से ही बन जाएगा, थोड़ा सा ही खाना बनाना है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिएगा। तो बातों बातों में बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो सुबह में हम लोग पंडाल में गए, फिर घूमे फिरे आए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, छोटा सा ही वीडियो बनाई। मैं सोच रहा हूँ घर में जाए चलूँगी तो बनाऊँगी, क्योंकि पूजा वगैरह करने में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो अच्छा नहीं लगता है हर जगह। थोड़ा बहुत मैं वीडियो ली, तो बस शाम में प्रसाद वो लोग पैकेट में करके मिठाई और वो सब जो मैंने दिखाया वो सब प्रसाद दे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कल सुबह मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको रात में देखूंगी, एडिट कर दूंगी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जा रहा है, पूजा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो कल है नौमी, तो आप सभी को ये वाला ब्लॉग्स कल मिलेगा। तो आप लोगों को नौमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरा कर दे, जो लोग भी आप जो भी मांगते हैं सब पूरा हो जाए, सब कोई खुश रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग्स में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ घूमे आप लोग, ये सब बताइएगा। आप लोग का अष्टमी कैसा रहा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता चल जाएगा आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि मैंने पूछा है जो जो सवाल है उसका आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग का अष्टमी कैसा रहा। और चलिए फिर कल मिलती हूँ नए ब्लॉग्स में। जय माता दी।